डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलिंग बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो जब भी पैरामैग्नेटिक सॉल्ट को हम रखते हैं किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, यहाँ पे हमने रखा है एक पैरामैग्नेटिक सॉल्ट को, तो होता क्या है कि इसके अंदर के जो डाइपोल्स हैं, ये डाइपोल्स रोटेट करने लग जाते हैं और रोटेट करके ये अपने आप को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं और जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम सबको पता है कि वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं और ये प्रोपोर्शनल होता है इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, और हम इसको I इज इक्वल्स टू काई एच ऐसा भी लिखते हैं, जहाँ पे ये जो काई है ये कांस्टेंट होता है और ये कहलाता है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, यानी किसी सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने की क्षमता जो है वो कहलाती है ससेप्टिबिलिटी, और जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये पॉजिटिव और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और इसकी वैल्यू साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और हम इसको लिखते हैं इज इक्वल्स टू सी बाई टी, ये दे दिया 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो फिर आई इज इक्वल्स टू हम सी एच अपॉन टी ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम वी है एक मोल ऑफ, इफ वॉल्यूम ऑफ वन मोल इज वी, तो जो मोलर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एम इज इक्वल्स टू आई वी इज इक्वल्स टू आई, यानी सी वी हो गया आपका एच अपॉन टी, इससे ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, जहाँ पे सी वी जो है वो क्यूरी कांस्टेंट हो जाएगा वन मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो कुछ वर्क फील्ड करता है सब्सटेंस पर और उससे अलाइनमेंट होता है डाइपोल का फील्ड के ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैग्नेटाइजेशन आइसोथर्मली किया हुआ है तो फिर वर्क डन जो फील्ड करेगा सब्सटेंस में वो हमको हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में मिलेगा, और अगर मैग्नेटाइजेशन एडियाबेटिकली किया हुआ है तो इंटरनल एनर्जी जो है सब्सटेंस की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। जबकि अगर आपके पास मैग्नेटाइज्ड पैरामैग्नेटाइज सब्सटेंस जो है उसको आप डीमैग्नेटाइज करते हो एडियाबेटिकली, ठीक है, वो क्या करते हो उसको डीमैग्नेटाइज, वो भी एडियाबेटिकली आप अगर करते हैं तो फिर इससे क्या हो जाता है कि जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू एकदम कम हो जाती है, और इस फेनोमेना को कहते हैं मैग्नेटो कैलोरिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, वन मोल ऑफ सब्सटेंस ले लेते हैं, वन मोल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का हम लेते हैं और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटाइज फील्ड में मान लो रख दिया गया। तो जैसे ही आपने इसको फील्ड में रखा तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है m से क्या हो गया m प्लस dm, तो जो वर्क डन है वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा आपका dw इज इक्वल्स टू माइनस एच dm, माइनस है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेट होता है गैसियस सब्सटेंस का या सिस्टम का, उसको हम पी वी टी और एस से एक्सप्रेस करते हैं, और जो वर्क डन है उसको डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी से एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है जो कि नॉर्मली पी वी टी एस से एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम एच एम टी और एस से एक्सप्रेस करें, यानी पी को रिप्लेस कर दिया एच से, वी को एम से, कुछ इस तरीके से, तो मैक्सवेल का जो थर्ड वाला रिलेशन है वो आपका अब क्या बन जाएगा, डेल टी माइनस डेल टी बाई डेल एच एट एस इज इक्वल्स टू डेल एम बाई डेल एस एट एच। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको क्या कहें, डेल टी बाई डेल एच एट एस इज इक्वल्स टू माइनस डेल एम बाई डेल एस एट
एच, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल एम माइनस डेल एम बाय डेल टी एट कांस्टेंट एच अपॉन डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट एच, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस टी डेल एम बाय डेल टी एट कांस्टेंट एच अपॉन टी डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट एच. तो टी डी एस आपका हो गया क्यू के बराबर, तो आप इसको लिखेंगे माइनस टी डेल एम बाई डेल टी एट कांस्टेंट एच अपॉन डेल क्यू बाई डेल टी एट एच, ये लिख सकते हैं. लेकिन वन मोर सब्सटेंस के लिए डेल क्यू बाई डेल टी एट एच जो है इज इक्वल्स टू सी एच होता है, जहाँ सी एच मोलर स्पेसिफिक हीट होता है सब्सटेंस का, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल टी बाई डेल एच एट एस इज इक्वल्स टू माइनस टी बाई सी एच डेल एम बाई डेल टी एट एच. अब यहाँ चेंज इन टेम्परेचर जो है एडियाबेटिक चेंज की वजह से मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच में, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस टी बाई सी एच डेल एम बाई डेल टी एट एच इंटू डी एच. अब हमारे को ये पता है एम इज इक्वल्स टू सी वी एच अपॉन टी, तो हमारा डेल एम बाई डेल टी एट एच जो है उसको हम लिख सकते हैं माइनस सी वी एच बाई टी स्क्वायर. तो डी टी आपका क्या बन जाएगा, विल बी इक्वल टू टी बाई सी एच सी वी एच अपॉन टी स्क्वायर डी एच. तो टी डी टी आपका क्या बन जाएगा, सी वी बाई सी एच एच डी एच. अब मान लेते हैं इनिशियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर एच वन है, टेम्परेचर जब टी वन है और चेंज होने पे एच टू हो गया और टी टू हो गया, तो फिर आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी वन से टी टू टी डी टी इज इक्वल्स टू सी वी बाई सी एच एच वन से एच टू एच डी एच. सो दिस इज इक्वल्स टू टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू सी वी बाई सी एच एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर बाई टू. सो टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वी बाई सी एच एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर. और इस रिलेशन से के लिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को डी मैग्नेटाइज करेंगे एडियाबेटिकली, यानी इनिशियल फील्ड एच वन एच है उसको जब डी मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो वो फील्ड को हटा लेते हैं, तो एच टू जीरो हो जाएगा. तो टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, माइनस सी वी बाई सी एच इंटू एच स्क्वायर. नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, टी टू लेस देन टी वन है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को आपने विड्रॉ कर लिया. तो इसको यहाँ ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस ग्राफ से मैग्नेटाइजिंग फील्ड को विड्रॉ कर लिया गया है, तो टेम्परेचर गिर गया है. ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा फॉल अगर चाहिए टेम्परेचर में तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लेस होने चाहिए, और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए. ये फिगर दिखा रहा है टेम्परेचर एंट्रोपी को, टेम्परेचर एक्सिस में एंट्रोपी को, जिसमें ओ ए ओ बी आपको दिख रहा है. ये कर्व है मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इक्वल्स टू जीरो और एच के लिए. पहले जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको मैग्नेटाइज किया जाता है आइसोथर्मली, जिसको कि स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है पैरेलल टू एस एक्सिस, उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप. इस प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, यानी ऑर्डरनेस बढ़ जाएगी. ठीक है, और जब डीमैग्नेटाइज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बी सी आपको मिलेगा, ये वाला बी सी मिलेगा आपको, और जो कि पैरेलल होगा टी एक्सिस के. इस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा. इसके लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है, जहां डी वन डी टू डीवर फ्लास्क है, डी वन में लिक्विड हीलियम भरा गया है, डी टू में लिक्विड हाइड्रोजन. डी वन डी टू ये है, ये लिक्विड हीलियम इसमें भरा गया है, बाहर वाले में लिक्विड हाइड्रोजन. ए एल्यूमिनियम का कंटेनर है आपका, ये जो अंदर वाला कंटेनर है जिसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का पाउडर रखा हुआ है. आर जो है वो एक स्पेशल चैम्बर है, ठीक है, ये वाला जो इस ए के ठीक बाहर है, ये
और ये कनेक्टेड है वैक्यूम ट्यूब डी से. एन और एस जो है वो है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट. सबसे पहले हीलियम गैस को भर दिया जाता है चैम्बर आर में, क्योंकि हीलियम बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का वेरी लो टेम्परेचर में. तो सब्सटेंस जो है वो बाहर वाले लिक्विड हीलियम के कॉन्टैक्ट में आता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, बाहर वाले लिक्विड हीलियम के रेंज में आ जाता है. अब सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जाता है, ठीक है. जैसे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने करके, तो फिर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो हीट बना है वो तुरंत से हीलियम गैस से कंडक्ट हो जाएगा, और जो आउटर हीलियम है और उससे कंडक्ट हो जाए, उसने कंडक्ट वो कर लेगा कंडक्ट, और टेम्परेचर सब्सटेंस का फिर से बढ़ जाएगा. तो हीलियम गैस जो है चैम्बर से इसके बाद हटा लिया जाएगा. हटा लेने के बाद कैसे हटाएंगे, ये वैक्यूम ट्यूब की मदद से, वैक्यूम पंप की मदद से उसको हटा लेंगे, जिसके कारण जो बचा हुआ रहेगा वहाँ अब थर्मल कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा सब्सटेंस का आउटर लिक्विड हीलियम के साथ. तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अचानक से हमने विड्रॉ कर दिया, इसका मतलब तो जो सब्सटेंस है वो एडियाबेटिकली डीमैग्नेटाइज हो गया. तो इस समय टेम्परेचर जो है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा. जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए कॉयल लगाया जाता है, जिसको इस आर चैम्बर के बाहर लगाया जाता है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर की जाती है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्योंकि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो फिर टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता चल जाएगा, टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक है. तो ये था आपका एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन. वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.